जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं उमाकांत और आप देख रहे हैं बुद्धा पैराडाइज यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय भिक्खु संघ में स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया जाता है। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ये भिक्खु प्रज्ञादीप जी है, अखिल भारतीय भिक्खु संघ के सचिव है। आज 13 अगस्त 2022 यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत आज से हुई है। आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोरिया के भिक्खु संघ को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये सारे कोरियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के श्रमनेर भिक्खु है, बस कुछ समय पहले ही इनका आगमन हुआ है। चाय पीते हुए ये सारे श्रमनेर भिक्खु अब कुछ समय पश्चात मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो इससे पहले मैं आपको अखिल भारतीय भिक्खु संघ की जो मोनेस्ट्री है उसका परिचय करके देता हूँ। अखिल भारतीय भिक्खु संघ में भगवान बुद्ध की 3 प्रतिमाएं हैं और ये रही उनमें से एक अष्ट धातु से बनी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ पर एक रॉक कट इनॉग्रेशन टेम्पलेट है, तो चलिए इसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 31 मई 2003 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस स्थान पर आए थे और उन्होंने हाउ टू रिमूव द ईगो ऑफ आई एंड माइन यानी मैं और मेरा इस विषय पर एक ऐतिहासिक सेमिनार भी दिया था। और ये रहा जापानीज लोटस सूत्र नमयो रेंगे क्यो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिल भारतीय भिक्खु संघ के बंते जी खाना बनाते हुए। ये बंते सुगत जी हैं जो पूरियों को फ्राई कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर खाना बनाने के लिए कुक है, लेकिन कोरियन भिक्खु संघ को आज के इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया गया है, इसीलिए सारे बंते जी एकजुट होकर काम में लग गए हैं। ये बंते पति सेन जी है और ये बंते कश्यप जी है और इनमें सबसे खास आदमी है ये विनय भैया जी, जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी खाना बनाते हैं। मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जितने भी विदेशी बौद्ध भिक्षु होते हैं, अगर वह किसी काम में व्यस्त ना हो तो वह ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की ये भिक्षुनी माता जो ध्यान अवस्था में है। ये जो है ऑल इंडिया भिक्खु संघ की मेडिटेशन रूम तथा लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का नाम है संघ नायक जगदीश कश्यप लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लेफ्ट साइड में बदंद सदानंद महातेरो की तस्वीर है और राइट साइड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है। तो चलिए अब हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बैठकर सारे बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन करते हैं और इस मेडिटेशन रूम में भगवान बुद्ध की ये भव्य प्रतिमा भी है और इसी स्थान पर रोज शाम को 6:30 बजे धम्म वंदना भी होती है। लाइब्रेरी की इस कबर्ड में कई सारी किताबें हैं। ज्यादातर किताबें जो है ये विदेशों से डोनेशन की हुई किताबें हैं। बौद्ध साहित्य का अध्ययन यहाँ के श्रमनेर भिक्खु इन्हीं किताबों से करते हैं। भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और आज का जो दिन है वो अमृत महोत्सव का दिन है और आज के इस कार्यक्रम की यहाँ पर तैयारी चल रही है और इस कार्यक्रम के लिए कोरिया के 2 चीफ गेस्ट आए हुए हैं। ये अखिल भारतीय भिक्खु संघ है और यहाँ आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी अवसर पर हम लोग अखिल भारतीय भिक्खु संघ में आज उसके ओकेजन में तीन दिन पहले 13 तारीख है ये झंडा लहराया जा रहा है कराया जा रहा है और 15 तारीख को विशेष रूप से इसका आयोजन होगा। ये प्रारंभ है 13, 14, 15 पूरे देश में जो ये फहराया जा रहा है उसी का ये प्रारंभ है। तो इस अवसर पर हम लोग राष्ट्रगान करेंगे।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब समय हो चुका है भोजन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंते पतिसेन जी, बंते सुगत, विनय भैया और बंते कश्यप जी, कोरियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के जो भिक्षुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है उन्हें खाना परोसते हुए। अब तक किसी ने भोजन को शुरुआत नहीं की है क्योंकि अब भी कुछ भिक्षुओं को खाना परोसा जा रहा है। भोजन से पहले आहार पूजा होगी, उसके बाद सारे बंते एक साथ भोजन को शुरुआत करेंगे। अभी हमारे सामने हैं कोरिया के बंते जी लोक विद्या। मास्टर, डू यू वांट टू गिव मैसेज टू इंडियन बुद्धिस्ट? टुडे इज इंडियन इंडिपेंडेंस डे सीजन 13, 14, and 15। टुडे वाज वी केम टू दिस मोनेस्ट्री टू सेलिब्रेट विद महाबंते विद आवर साथी स्कूल साथी इंटरनेशनल साथी मुलासंगा एंड बुद्धगया। We are celebrating together Indian big, very important day. It was very important. We have some good relationship with India because we, when we were 1960s, maybe we have a big trouble in our land. It's a civil war was happened. When we are in trouble, Indian people came us in humanity and helping us. A lot of people saved by your help. We are really thank you for your helping. Even in the today, we are celebrating some memorial systems in the Korean cities. We got it. And some other aspect of, as a aspect of Buddhist, we always thank you for Buddha. He came from his nearby the Buddha. Ma temple is the one of the greatest important place of Buddhism. Yeah. We are giving return our thanks to India to give them a lot of chance. As you see our samaneras and our activities to recover and rebirth our Indian Buddhism. Especially growing again. We want to hope many Korean Buddhists was donated for Indian Buddhism, bring back to the bright again. In my English. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।